आपका ये क्वेश्चन है 11th, ठीक है। इस 11th में हम एक रिजल्ट यूज करेंगे, एंगल इन द अल्टरनेट सेगमेंट्स आर इक्वल। तो वो मैं रिजल्ट आपको दे रही हूँ कि जैसे ये कॉर्ड है हमारी, कॉर्ड टेंजेंट के साथ एक एंगल बना रही है, कॉर्ड और टेंजेंट के बीच में एंगल है। अब आप जहाँ एंगल बन रहा है उस सेगमेंट में नहीं, दूसरे सेगमेंट में कॉर्ड से ये ज्वाइन करके एंगल बनाओगे, तो ये दोनों एंगल इक्वल होंगे। तो एंगल्स इन द ऑल्टरनेट सेगमेंट आर इक्वल। अब इसमें गिवन क्या है, आपको एक ये एंगल गिवन है और ये एस आर पैरेलल है क्यू पी के और क्यू पी टेंजेंट है। आपको ये वाला पूरा एंगल निकालना है, ये वाला पूरा। हम क्या करेंगे, ये पूरा ट्राइंगल है क्यू पी आर। अब ये क्यू पी आर में पी आर इज इक्वल टू क्यू पी, टेंजेंट्स आर इक्वल फ्रॉम सेम एक्सटर्नल पॉइंट, टेंजेंट्स इक्वल है तो उसके अपोजिट एंगल भी इक्वल होंगे, एंगल भी इक्वल होंगे ट्राइंगल में। तो एंगल सम प्रॉपर्टी से एक्स प्लस थर्टी इज इक्वल टू 180, ये आपका एक्स निकल आएगा 75, ये हमारे दोनों एंगल 75 निकला है। अब मैंने आपको रिजल्ट दिया है, ये वाला एंगल इस एंगल के इक्वल एंगल इन द सेम सेगमेंट, तो ये आपकी क्या है टेंजेंट, ये और ये 75 है, तो ये भी कितना आ गया 75, ओके। अब मैंने टेंजेंट वाला रिजल्ट यूज कर लिया, राइट, और अल्टरनेट सेगमेंट वाला भी कर लिया। अभी एक पैरेलल वाला रिजल्ट मेरा रहता है, एस आर पैरेलल टू क्यू पी, ये आपका पैरेलल लाइंस, ये ट्रांसवर्सल, तो ये एंगल आ गया 75। एंगल वन इज इक्वल टू 70 S, ठीक है ना, अल्टरनेट एंगल्स, तो एंगल वन आपका 75 आ गया। अब देखो ये भी 75 है, तो ये जो आपको निकालना है एंगल 75 प्लस एंगल 2 प्लस एंगल 75 इज इक्वल टू 180, और लाई ऑन अ लाइन, तो 75 150 30 डिग्री आंसर आपका आ गया। अब देखिए आपका ये क्वेश्चन है, आप इसको खुद पॉज करके पढ़ लेना। मैं इसमें क्या बताना चाह रही हूं, देखो सबसे पहले हम एक रिजल्ट ले रहे हैं कि अगर ये ऐसे ट्राइंगल है कोई, ये ट्राइंगल है, इस पे ये टेंजेंट है, तीन टेंजेंट्स हैं, ये पहली टेंजेंट, ये दूसरी टेंजेंट, ये तीसरी टेंजेंट, तो इसका एरिया मैं नेमिंग ले लेती हूँ एबीसी, एबीसी, तो ये बहुत आता है एबीसी पेरीमीटर ट्राइंगल का, प्रूफ करो टू एपी है या टू ए क्यू है। बात तो एक ही बात है, एपी और ए क्यू इक्वल है, तो ये हमें करना है। अब ट्राइंगल का पेरीमीटर क्या होता है, ए बी प्लस ए सी प्लस बी सी, यही होता है ना पेरीमीटर, यही होता है। इससे ये पूछ सकते हैं, इससे ये पूछ सकते हैं। अब देखिए ये हमारे पास ए बी है और बी सी को देखो, बी सी को ये पॉइंट ब्रेकअप करके यहां लिया गया है आर, तो मैं इस बी सी को बी आर प्लस आर सी लिख सकती हूं, मैंने बी सी को ब्रेकअप करके लिखा है, और ये ए सी ऐसे, ठीक है। अब बी आर किसके इक्वल है, बी आर इस पॉइंट को लो, इस पॉइंट से एक्सटर्नल टेंजेंट हो गई, बी आर इज इक्वल टू बी पी, तो बी आर की जगह मैं क्या लिख रही हूं बी पी। आप ये रिजल्ट लिखोगे यहां फ्रॉम वन टू, और ये क्या है सी आर इज इक्वल टू क्यू सी, आर सी जो है वो किसके इक्वल है क्यू सी के, ठीक है, टेंजेंट फ्रॉम एक्सटर्नल पॉइंट इक्वल। आप देखो ए बी प्लस बी पी क्या है एपी, और ए सी प्लस क्यू सी क्या है ए क्यू, और ए पी इज इक्वल टू ए क्यू है, ये एक्सटर्नल टेंजेंट, तो आपका आ गया टू ए पी। आ गया टू ए पी, ये बहुत आता है, सिर्फ यही रिजल्ट पूछा जाता है, इसी रिजल्ट पे ये क्वेश्चन है। अब देखो इसमें आपको क्या दिया है, हो गया हमारा क्वेश्चन सॉल्व।
ये आपको 5 दिया है, ये आपको 13 दिया है, ये है टेंजेंट और रेडियस 90 डिग्री एंगल आ गया। पाइथागोरस थ्योरम लगा के आप ये एपी निकाल लोगे और इस पूरे ट्राइंगल का एरिया 2AP 24, ये रिजल्ट इन्होंने अब यहाँ लिया है प्रूफ। तो आप ये पहले प्रूफ कर दो, उसके बाद ये और ये, बस ये सीधा रिजल्ट लिखना, हमारा ये निकल आया, इसके बाद यहाँ रिजल्ट लेना। चाहे पहले पाइथागोरस थ्योरम लगा के यहाँ तक सॉल्व कर लेना, फिर ये रिजल्ट लेके यहाँ सीधा आ जाएगा आपका 12 इज इक्वल टू 24।